जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इनसो के प्रदेश प्रवक्ता बलराज देशवाल और जिला चेयरमैन राजेंद्र जैलदार ने बस स्टैंड पर पहुंचकर छात्रों की समस्या सुन छात्रों की बंद बस को दोबारा शुरू करवाने के DI से दिलवाए बस चालक को आदेश। इनसो छात्र नेताओं ने बताया कि पानीपत से सुबह 8:30 बजे बपोली के लिए जाती थी, जिसको बंद कर दिया गया था। आज दोबारा उस बस को शुरू करवा दिया गया है। इनसो छात्र नेताओं ने बताया कि कई दिन से छात्र बस की समस्या को लेकर परेशान थे, जिससे छात्र छात्राओं को आने जाने में समस्या पैदा हो रही थी। देखिए, ITI के बच्चे थे, इनकी कोई बस जाती है पानीपत से बापुली के लिए 8:30 बजे, वो बस इनकी बंद कर दी गई थी 2-3 दिन से। ये बच्चे गांव में जाने के लिए परेशान थे, ऑटो में कहीं ना कहीं अतिरिक्त पैसे लगा के नहीं जेब से खर्च दे के जाना पड़ता था। इसके लिए आज हम यहाँ आए थे, इन बच्चों ने फ़ोन किया था। मेरे साथ हमारे इनसो के जिला चेयरमैन राजेंद्र जेलदार दोनों आए। हमने आगे मौके पे अधिकारी नहीं मिले, हम ऊपर गए, इनकी कहीं कोई अधिकारी बताया गया कोई मनवीर, उन्होंने अप्लीकेशन फाड़ दी थी। वो हमने उनको जिम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तभी हम यहाँ स्टैंड इंचार्ज जो बस स्टैंड उससे मिले हैं कद्यान जी से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कल सुबह से ही 8:30 बजे दोबारा पानीपत सेवा पुल के लिए बस जो बंद की गई थी उसको शुरू कर दिया जाएगा। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।